नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेते अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिमांड समाकलन का लेक्चर 2, जिसमें बड़े पढ़ेंगे डारबॉक्स से संबंधित अक्षांश। पहली टर्म हमारे पास क्या है, इफ एफ बी ए रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन पर एक परिबद्ध वास्तविक फलन है एंड डिफाइन ऑन ए बी, ए बी में परिभाषित है एंड एम एंड एम इज ए सुप्रीमम एंड इनफिम। सुप्रीमम का अर्थ क्या होता है, उच्चक है, तथा इनफिम का अर्थ क्या है, निम्नक है। ऑफ एफ इन ए बी, एफ के क्या है, उच्चक तथा निम्नक है ए बी में, तब हमारे पास क्या होगा, एम बी माइनस ए, एम इसका क्या है, उच्चक है, बी माइनस ए लेंथ है, लेस देन एल एफ पी, निम्न डार्बी योग से ऊपरी डार्बी योग कम होगा, किससे होगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, एम बी माइनस ए। एम बी माइनस ए का अर्थ क्या हो गया, एम क्या है, उच्चक है, और बी माइनस ए क्या है, ए बी अंतराल की क्या है, लंबाई है। इसको प्रूव करते हैं। अब हमें पता है, आप कुछ चीजें मान लेते हैं, माना एम आर, आर में अंतराल का निम्नक है, आर में अंतराल का क्या है, निम्नक है, ठीक। और इसी प्रकार क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम आर, आर में अंतराल का क्या है, निम्न उच्चक है, अंतराल का उच्चक, क्या मान लिया था इसको, उच्चक मान लिया, क्लियर। ये तो मान लिया आर अंतराल का निम्नक, और ये मान लिया आर अंतराल का निम्नक, और डेल आर मान लेते हैं आर में अंतराल की लंबाई, आर में अंतराल की लंबाई, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में डेल आर के बारे में बात की थी, लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल, इंटरवल के बारे में आपने अध्ययन किया था। तो हमें पता है जो निम्नक होता है, वो निम्नक का अर्थ क्या है, सभी फलन के सभी मानों से क्या है, कम है, और उच्चक क्या होता है, फलन के सभी मानों से क्या होता है, अधिक होता है, फलन के सभी मानों से क्या होता है, अधिक होता है। एम क्या होता है, सभी मानों से कम, और एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, सभी मानों से क्या होता है, अधिक होता है। अब इसके जो निम्नक होंगे, आर के अंतराल के जो निम्नक होंगे, वह क्या होंगे, ऐसे तो कम होंगे ना, इसके कम है, इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार जो आर्मेंट्राल का उच्चक होगा, इस आर्मेंट्राल के उच्चक से क्या होगा, बड़ा होगा, आर्मेंट्राल के उच्चक से क्या होगा, बड़ा, या उसके क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, उच्चक से, जो फलन का एक ही अंतराल का उच्चक है उससे क्या होगा, कम होगा, पता लग गई नहीं, यानी एम निम्नक है और एम उच्चक है, तो पता है आपको, इनके बीच में आर्मेंट्राल का निम्नक क्या होगा, आर में अंतराल के उच्चक से क्या होगा, कम होगा, लेकिन अगर उच्चक की बात की जाए ए बी अंतराल में, तो वो उच्चक क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो आर में अंतराल है वो क्या है, हमारे पास सबसेट है, किसका, ए बी अंतराल का क्या है, सबसेट है, या सब इंटरवल है, सबसेट बोले सब इंटरवल है। अब क्या कर दिया मैंने, डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल आर एक पॉजिटिव संख्या होती है, डेल आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डेल आर एम आर डेल आर लेस देन कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन एम डेल्टा, ठीक। अब क्या कर दिया, इनका सुम लगा दिया, यानी इनका योग लगा दिया, योग लगाने का हमारे पास क्या है, सीमा आर ए आई इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन टू एम एम डेल्टा लेस देन सीमा आर इक्वल टू वन टू एम एम आर और डेल्टा लेस देन सीमा आर इक्वल टू वन टू एम कैपिटल एम आर इंटू डेल आर फिर लेस देन सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम इंटू डेल आर, क्लियर। अब हमें ये पता है यह किसके बराबर होते हैं, ये क्या है, निम्न डार्बी योग है और ये ऊपरी डार्बी योग है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल एफ पी से लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, यू एफ पी से लिखेंगे, ये तो हमारे पास क्लियर। अब इन दोनों की बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं, क्या हमारे पास नौ आर इक्वल टू वन टू एम एम डेला, क्या लिख दिया मैंने, एम डेला, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, एम डेला क्या होता है, अंतराल की क्या होती है, लंबाई होती है, अंतराल की क्या होती है, लंबाई, यानी इसको क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर, ठीक, ऐसे लिखेंगे अंतराल के लिए, आर में अंतराल की लंबाई, तो आगे क्या लिखेंगे, एक्स आर, इसको सुन लगा देंगे, एम तो कॉन्स्टेंट है, इसमें आर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें लगाएंगे क्या आएगा, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, फिर हमारे पास क्या आएगा, दूसरे अंतराल से, सॉरी से आएगा एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस क्या आएंगे, एक्स जीरो, फिर क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर इसी प्रकार क्या आएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, और लास्ट में क्या आएगा, एक्स एन माइनस वन
xn-1। क्लियर। अब हमें पता है x1 से x1 और x2 से x2 कट जाएगा, इसी प्रकार xn से xn कट जाएगा, xn-1 से xn-1 कट जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पर xn और यहाँ पर क्या रहेगा x0। यहाँ पर तो क्या रहेगा xn पॉजिटिव और x0 क्या रहेगा नेगेटिव। xn क्या है, यदि इसको n अंतरालों में बांटा जाए तो अंतिम अवयव क्या होगा b होगा और प्रारंभिक अवयव क्या होगा a होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ये तो हमारे पास x0 होगा और ये हमारे पास क्या होगा xn होगा। तो यानी हमारे पास क्या है m b माइनस a, यानी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n m डेल r, हमारे पास क्या आ गया m b माइनस a आ गया। इसी प्रकार कैपिटल m लोगे तो कैपिटल m आ जाएगा, तो इसी प्रकार लिख देंगे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n कैपिटल m r इनटू डेल r कैपिटल m b माइनस a आ गया। क्लियर। अब इसका मान अपने समीकरण a में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे यहां पर तो क्या आ गया हमारे पास एम बी माइनस ए, तो क्या लिखे मैंने एम बी माइनस ए लेस देन या इक्वल, इसका मान क्या है हमारे पास निम्न डायोग यानी एल एफ पी, क्या लिखे मैंने एल एफ पी, और ये क्या है ऊपरी डायोग मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या लिखे मैंने यू एफ पी, और लेस देन किससे होगा हमारे पास ये लिखेंगे तो एम b माइनस ए। ये आपको पता है निम्न डार्वियोग एल एफ पी से दर्शाया जाता है लोअर डार्बॉक्स समूह, तो इसको इस प्रकार सीमा r इक्वल टू 1 टू n r इक्वल टू 1 टू n एम आर इंटू डेल आर, एम आर क्या होता है हाफ इंटरवल का निम्न का और डेल आर क्या होती है उस अंतराल की लंबाई होती है, p यहां पर उसका क्या होता है विभाजन होता है, ए के अंतराल का p विभाजन होता है, p विभाजन के लिए कहता है निम्न डार्वियोग होता है। ये तो हमारे पास हो गया, मैं इसके बारे में बता रहा हूं ऊपरी डार्वी योग होता है, ऊपरी डार्वी योग r इक्वल टू 1 टू n कैपिटल m r इनटू क्या होता है डेल r होता है, यहाँ पर p क्या होता है f के va क्या होता है ab का विभाजन होता है, विभाजन पार्टीशन क्या है पार्टीशन नेक्स्ट उससे पहले वाली वीडियो में देखिए पार्टीशन क्या है, पार्टीशन का शोधन क्या है यानी रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन क्या है बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक, मेरे ख्याल से आपकी थ्योरम समझ आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको ध्यान से करना है क्योंकि इस थ्योरम से आप आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। क्लियर। थ्योरम दो देखते हैं, एक पॉइंट दो क्या है, इफ एफ बी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड पी एंड पी डैश बिलोंग्स टू पी ए बी PAB such that P dash is a refinement of a P then proof that, ठीक ये हमें दे रखा है। ठीक, अब हमारे क्या दे दिया गया एक फंक्शन एफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन जो सेम लाइन लिखी हुई मैंने इसके साथ एक लाइन और ऐड कर दी पी एंड पी डैश बिलोंग्स टू पी ए बी, पी ए बी क्या होता है पी ए बी क्या होता है आपको पता है पी ए बी क्या होता है ए बी ए बी के सभी यथा संभव विभाजनों का समुच्चय होता है, पी तथा पी डैश से विभाजन इस प्रकार है सच दैट इस प्रकार है पी डैश इज रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का अर्थ क्या होता है शोधन विभाजन सूक्ष्मकरण, पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी यानी पी जो है पी डैश का क्या है सबसेट है, पी डैश किसका सबसेट है पी डैश का सबसेट है, देन हमारे पास प्रूफ करना है, देन क्या है हमारे पास प्रूफ क्या करना है एल एफ पी, पहला पार्ट है एल एफ पी लेस देन एंड इक्वल एल एफ पी डैश। क्लियर, थ्योरम समझ में आ गई, प्रूफ देखते हैं पहले थ्योरम को समझने जरूरी है। मान लेते हैं एफ क्या है एक वास्तविक परिबद्ध फलन है जिसकी उच्चता निम्न क्या है एम तथा एम है स्मॉल एम है तथा पी तथा पी डैश दो विभाजन है, इसके ए बी के दो विभाजन है, किस प्रकार के विभाजन है पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ ए पी, रिफाइनमेंट क्या होता है यदि पी सबसेट है किसका पी डैश का तो पी डैश यहां पर पी का क्या कहलाता है शोधन विभाजन
या सूक्ष्मकरण कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफाइनमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट देर है, देन हमें प्रूफ करना है पार्ट ए टी पार्ट एस के। पहला पार्ट लिख सकते हैं एल एफ पी लेस देन किससे होगा, एल एफ पी डैश से क्या होगा, लेस देन होगा। पहले इसका ज्यामिति अर्थ समझो, फिर इस क्षण को अपने करते हैं मैथमेटिकल रूप से, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ज्यामिति रूप से समझना इसको आसान है। पी और पी डैश क्या है ये तो आपको पता लगे, दो विभाजन है। पी डैश क्या सबसेट है किसका, पी डैश का। पी सबसेट है इसका, पी डैश का। एक अपने क्या ले लिया, फलन ले लिया, मान लेते हैं सम ए से लेकर बी तक है, ये एफ ए और ये एफ बी है, क्लियर। इसका एक विभाजन कर दिया मैंने, मान लेते हैं ये विभाजन, क्लियर। अब विभाजन किस प्रकार होगा, आपने ए वाले लेने इसमें, ये तो आपको पता है, ठीक। अब इसमें क्षेत्रफल क्या आएगा, ये बड़ा आएगा, ये मैंने विभाजन क्या लिया, पी विभाजन लिया। कौन सा विभाजन लिया मैंने, पी विभाजन ले लिया। पी विभाजन किस प्रकार है, मैं लिख देता हूँ, पी विभाजन क्या है हमारे पास, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन। लेट पी इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन, ये एक्स वन एक्स जीरो एक्स एन तक इस प्रकार विभाजित है, क्लियर। अब क्या करते हैं, पी डैश किस प्रकार मान लेना है, मान लेते हैं पी डैश एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, एक विभाजन कर दिया यहां पर एक्स एस माइनस वन और एक्स एस के मध्य, एक्स एस और यहां पर लिख दिया मैंने एक्स एन, ठीक। अब यहां पर कोई इसमें आ रहा था एक्स एस माइनस वन, यानी यहां पर आ रहा था एक्स एस माइनस वन और एक्स एस आ रहा था, उसके बीच मैंने एक और अवयव ऐड कर दिया, नहीं एक और मैंने क्या कर दिया उस अंतराल का विभाजन कर दिया, वो विभाजन क्या कर दिया मैंने अल्फा कर दिया। जैसे इसके थ्रू देखें, ये मान लेते हैं एक्स एस माइनस वन और ये था हमारे पास एक्स एस था, ठीक है। इसके मध्य मैंने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, क्या अल्फा लगा दिया, विभाजन करके क्या लगा दिया, अल्फा लगा दिया। अब ये एक और विभाजन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एक और विभाजन बढ़ गया, ठीक है। पहले विभाजन से पहले क्षेत्रफल देखो, विभाजन से पहले क्षेत्रफल क्या था, ये वाला सारा क्षेत्रफल आ रहा था उसमें, ये वाला क्या रहा था, सारा का सारा क्षेत्रफल आ रहा था, ठीक। अब जब हमने क्या कर दिया, इसमें अल्फा ऐड कर दिया, यानी एक विभाजन और कर दिया, तो विभाजन के मध्य आप यहां तक आ गया और ये वाला हिस्सा और जुड़ गया, यानी ये जो वाला हिस्सा मैंने डार्क किया है, ये वाला हिस्सा इसमें क्या जुड़ गया, और जुड़ गया, यानी इसका क्षेत्रफल पहले एल एफ पी क्या था, इतना ही था, पहले एल एफ पी क्या था, इसको छोड़ दे तो इतना बड़ा पार्ट था ना एल एफ पी, एल एफ पी क्या होता है क्षेत्रफल, कितना होता है इसके द्वारा अशादी क्षेत्रफल, तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब इसमें और जुड़ गया इतना, यानी कौन सा बड़ा हो गया फिर, एल एफ पी डैश बड़ा हो गया, यानी शोधन करने पर उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, यानी एल एफ पी डैश बड़ा होता है किससे, एल एफ पी से बड़ा, क्लियर। मेरे ख्याल समझ गए हो गया, इतना हिस्सा इसमें और क्या है ऐड हो गया। अब इसका मैथमेटिकल रूप देखिए, जो आपको एग्जाम में करना है, ये डायग्राम बना सकते हो आप, वीडियो रोक लेना है, एग्जाम में लगेगा। अब हमारे पास दो विभाजन आ गए, पी और पी डैश विभाजन आ गए, क्लियर। अब मैथमेटिकल रूप से समझ रहे हैं, तो हमने एल एफ पी दिया, मैंने क्या लिख दिया एल एफ पी, इसके लिए लिख रहा हूं एल एफ पी क्या आएगा, सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, क्या होता है हमारे पास एम आर इंटू डेल्टा, क्या होता है एम आर इंटू डेल्टा, क्लियर। फिर मैंने लिख दिया एल एफ पी डैश, इसके लिए लिख दिया एल एफ पी डैश के लिए लिखा, लिख दिया तो एल एफ पी डैश क्या आएगा हमारे पास आर इक्वल टू वन टू एन, आर इक्वल टू वन टू एन। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, अब इसको लिखना चाहूं तो एम आर डेल्टा लिख दिया, परंतु इसमें क्या आ रहा है, ये वाला विभाजन है, क्योंकि एक्स एस और एक्स एस माइनस वन जो आया था विभाजन आया था, वो इसमें अंतराल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो अंतरालों में एक बंट गया है, कौन सा एक्स एस माइनस अल्फा और अल्फा एक्स एस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर नॉट इक्वल टू एस, एस किसके है, आर किसके है, एस के बराबर नहीं है, यानी नीचे लिए ये अंतराल लिया था, वो इसमें नहीं आएगा, परंतु इसमें क्या होगा, दो अंतराल और ऐड हो गए, कौन से अंतराल, ये तो ये वाला अंतराल ऐड हो गया, एक ये वाला अंतराल ऐड हो गया। अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, ये तो सेम लिख दिया मैंने, पूरा लिख दिया, प्लस उसको माइनस कर देते हैं, कौन से इस वाले अंतराल को, जो एक्स एस माइनस वन था उस अंतराल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं इसका निम्न क्या है, एम एस है, तो लिख दिया मैंने एक्स एस माइनस एक्स एस, एस माइनस वन एक्स, ठीक है, लिख दिया मैंने, माइनस कर दिया इसमें से, प्लस
अब हमें दो अंतराल जो ऐड हुए उनको भी तो लिखना पड़ेगा। इन दो अंतरालों को लिख दिया मैंने, दो अंतरालों को लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका निम्नक। अब इसका निम्नक क्या माना है, एक्स एस माइनस वन का एम एस माना है, इसका मान लेते हैं निम्नक क्या है एम डैश ऐसे है, और इसका निम्नक क्या है एम डबल डैश एस, इसका निम्नक क्या मान लिया एम डैश एस है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे एक्स एस माइनस वन अल्फा, ठीक। फिर प्लस एम डबल डैश एस, एम डबल डैश एस अल्फा माइनस एक्स, और माइनस में जो इसमें क्योंकि नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बड़ा हिस्सा नहीं आ रहा ना इसमें, तो ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि ये अंतराल का दो बार विभाजन हो चुका है, तो इसका निम्नक क्या माना है एम एस, तो इसके लिए एक्स एस माइनस वन माइनस एक्स एस, क्लियर। यहां तक आप सुनना जरूरी है, आगे बड़ा आसान है। अब ये वाले दोनों पार्ट तो बराबर है, अभी इन दोनों में देखिए ये वाले दोनों पार्ट तो बराबर है, बात सिर्फ किस पार्ट की हो रही है, इस वाले पार्ट की हो रही है, यानी इस वाले पार्ट को अपने समझ रहे हैं क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होने के लिए ये वाला पार्ट इस पार्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हमें पता है अब इसका निम्नक जो होगा, अब एक्स एस माइनस एस, एक्स एस और एक्स एस का जो निम्नक है वह क्या माना है, निम्नक क्या माना है एम एस माना है, उसके दो टुकड़े होने के बाद एक्स एस माइनस अल्फा, और इसका निम्नक क्या मान लिया था अपने एम डैश एस माना था। अब इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, समझो सर, या तो दोनों बराबर होंगे या एम एस क्या होगा छोटा होगा, यानी एम एस क्या होगा छोटा होगा किसे एम डैश एस से, क्लियर है एम डैश एस से क्या होगा छोटा होगा, और दूसरा अपने क्या ले लिया एक्स एस माइनस अल्फा और एक्स एस। अब इसका जो निम्नक क्या माना है एम डैश एस माना है, अब ये से तो बड़ा होगा समझो सर, एम डबल डैश एस तो बड़ा होगा ना एम एस से, क्योंकि इसका तो अल्फा तक ही खत्म हो गया था, इसका अंतराल एक्स एस था, लेकिन इसका निम्नक है यानी इससे सबसे छोटी संख्या, और इसमें तो अल्फा के बाद सबसे छोटी संख्या है, तो यानी एम डबल एस एस क्या होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा, एम एस इससे क्या होगा छोटा या इससे क्या होगा बराबर होगा, यानी एम डबल डैश एस। अब एम डबल डैश एस, अब यहाँ पर एक्स एस माइनस वन है अल्फा माइनस एक्स वन है, यानी दोनों इन दोनों का जो योग होगा अंतरालों का योग इस अंतराल के तो बराबर है, यानी ये वाला जो हिस्सा है एम डबल डैश एस और इन दोनों का योग है, यानी आपने ऐसे लिख सकते हैं एम एस है जो वो क्या है एम डबल एस एस और एम डबल एस एस से क्या है छोटा या उसके क्या है बराबर है, यानी इसे क्या है छोटा है, यानी एम एस ये वाला जो पार्ट है ये दोनों अंतरालों की लंबाई समान है, क्लियर हो गया। अब एक्स एस माइनस वन है तो यानी एम एस छोटा है, यानी ये वाला हिस्सा क्या है इससे क्या है छोटा है, यानी हम क्या लिखेंगे एम एस एक्स एस माइनस एक्स एस लेस देन एंड इक्वल किससे है एम डैश एस एक्स एस माइनस वन अल्फा प्लस एम डबल डैश एस अल्फा माइनस एक्स एस, क्लियर। यानी ये वाला पार्ट क्या है छोटा है, यानी ये वाला पार्ट छोटा है, यानी इसका अर्थ क्या ये वाली संख्या क्या है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है यानी इसमें कुछ जुड़ रहा है, ये तो सेम ही है, ये पॉजिटिव है, इसका अर्थ क्या होगा एल एफ पी डैश लेस देन एंड इक्वल किससे होगा एल एफ डबल डैश पी डैश के क्या होगा लेस देन, क्लियर। मेरे ख्याल समझे हो, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप ज्यामिति अर्थ से समझ लेना पहले, ज्यामिति अर्थ के बाद आप मैथमेटिकल रूप से समझो तो आपको आसानी से नहीं है। ये वाला पार्ट थोड़ा और मुश्किल था कि एम डैश किस छोटा कैसे होता है, ग्राफ का रूप से थोड़ा समझा देता हूँ इस बारे में। जैसे वाला ग्राफ बनाया जाते हैं ए और बी ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके दो अंतराल लिए थे बड़े, ठीक है, इसका एक क्या हो गया था विभाजन हो गया था बाद में, ये वाला क्या हो गया था विभाजन हो गया था। अब देखिए अब ये अंतराल ए वाला अंतराल लिया था, अब इसका निम्नक तो ये वाला होगा, मान लेते हैं इसका निम्नक एम एस है, इसका निम्नक ये वाला था। अब इस अंतराल का जो निम्नक होगा, इस अंतराल का जो निम्नक होगा है यानी जो एम डैश एस होगा या तो क्या होगा इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, क्लियर। लेकिन जो इस अंतराल का विभाजन होगा यानी एम डबल डैश एस का निम्नक होगा वो क्या होगा इन दोनों से क्या होगा बड़ा होगा, इन दोनों से क्या होगा बड़ा होगा, यानी हमारे पास क्या होगा एम एस दोनों के योग से क्या होगा फिर छोटा होगा, और दोनों के योग अंतरालों की लंबाई, अंतराल की लंबाई समान है एक्स एस माइनस एस और अल्फा माइनस एस, दोनों के अंतराल की लंबाई इन दोनों के प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एस माइनस एक्स एस आ जाएगा, तो बराबर ही है, यानी हमारे पास एम एस छोटा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट से छोटा है, इसका अर्थ क्या है यानी ये पॉजिटिव आ गया पूरा पूरा पार्ट पॉजिटिव है यानी इसमें कुछ जुड़ रहा है, यानी इस ये वाला पार्ट हटाया जाए, बड़ा पार्ट हटाया इसको बराबर करना है, यानी बड़ा कौन सा चीज बात करें तो एल एफ पी डैश समझी बात है बड़ा, क्लियर। एल से जस्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं दूसरे वाला पार्ट,
क्या दूसरे वाला था बेटा, बी पार्ट जो है उसका, बी पार्ट हमने क्या कहते हैं, यू एफ पी डैश, अब उल्टा इसे यू एफ पी डैश यू एफ पी, यानी ये शुद्ध विभाजन का ऊपरी डाबी योग है, वह क्या होता है सामान्य जो विभाजन है उसके ऊपरी डाबी योग से क्या होता है कम होता है। इसका ज्यामिति अर्थ समझो पहले, ज्यामिति अर्थ बड़ा आसान है, और इस अगर ज्यामिति अर्थ आपको समझ में आ गया यानी आपको सारा समझ में आ गया, क्लियर। ये मैंने फलन ले लिया ए और ये मैंने क्या ले लिया बी, ठीक, ये कर दी मैंने इसमें विभाजन, ठीक, इसमें क्या कर दिया अपने विभाजन, क्या विभाजन कर दिया, एक तो क्या मान लिया मैंने पी विभाजन, किस प्रकार मान लिया पी विभाजन, किस प्रकार है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, उसी प्रकार एक्स एस माइनस वन और एक्स एस, और इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और यह कहां पर जाएगा एक्स एन पर जाएगा, और पी डैश कैसे कैसा मान लिया मैंने, पहले जैसे मान लिया एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एस माइनस वन, और इसमें मैंने क्या कर दिया जो इस अंतराल था एक्स एस माइनस एक्स एस उसका एक और विभाजन कर दिया, दो अंतराल में बांट दिया अल्फा से बांट दिया उसको, यानी एक्स एस और यहां कहां पर जाएगा एक्स एन पर जाएगा, क्लियर। अब देखें मान लेते हैं यह वाला जो अंतराल है वह क्या है एक्स एस माइनस एक्स एस है, ठीक, अब ऊपरी डाली हुई लगन है किस प्रकार है, कैसे समझ सी बात है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी जो आप व्हाइट दिख रहा है इसके अंदर वो सारा का सारा क्या है योग है, किसका ऊपरी डाली हुई योग है, आपको क्या कर दिया एक और विभाजन कर दिया, ये यहां पर क्या कर दिया अल्फा विभाजन, तो अल्फा विभाजन करने पर क्या होगा, अब ये जो बिंदु दिया जाएगा ये कहां से दिया जाएगा, यहां से दिया जाएगा, क्योंकि इसको इससे मिलाना पड़ेगा न्यून से, तो ये वाला जो हिस्सा होगा यह वाला हिस्सा हमें क्या करना पड़ेगा इसे हटाना पड़ेगा, पहले तो क्या था इतना पूरे वाला हिस्सा था यानी ये भी विभाजन किया था, ये वाला था ये वाला नहीं था, जब इसमें ये वाला हिस्सा कर दिया तो यानी यहां से लेकर यहां तक होगा और फिर यहां से लेकर यहां तक होगा, परंतु ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, यानी जो हमारे पास शोधन विभाजन है इसका ऊपरी डर भी होगा और UFPC का होगा कम होगा, ऊपरी डाल दिया उस माने जो पी है उससे क्या होगा फिर कम होगा, ठीक है, ग्राफिकल रूप से आप समझेंगे मेरे ख्याल से, मैथमेटिकल रूप देखते हैं गणितीय रूप क्या है इसका। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, कंपटीशन एग्जाम में माना कि रिमांड्स मांग उनके बहुत ज्यादा कम प्रश्न आते हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादा मुश्किल होते हैं, उन प्रश्नों को समझने के लिए एक लास्ट वीडियो बनाएंगे उस पर भी अध्ययन करेंगे क्या है वो। अगला हमारे पास क्या है यू एफ पी डैश लेस देन है यू एफ पी से लेस देन है, किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे, पहले यू एफ पी की बात करते हैं, क्या कहते हैं हमने यू एफ पी, पहले जैसा ही अपने क्या करते हैं आर इक्वल टू वन टू एम कैपिटल एम आर, एम आर यहां पर क्या है उच्चक है आर नियम का, यू एफ पी डैश इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन, यहां पर मैं लिख रहा हूं एम आर डेल आर, परंतु इसमें क्या इसमें वही सेम एक्स एस माइनस एक्स वन वाला तो आएगा नहीं पार्ट, तो वाला पार्ट इसमें क्या करते हैं माइनस कर देंगे, वो वाला पार्ट क्या करते हैं एम एस जो बाद में माइनस कर देंगे, पहले जोड़ देते हैं क्योंकि ये दो पार्ट क्या जुड़ रहे हैं, ये जो आर इक्वल टू वन टू एन है तो इसके लिए आर इक्वल टू वन टू एन है, लेकिन अल्फा इसमें और जुड़ा है तो उसका जो अंतराल आएगा वो अलग से आएगा, कैपिटल एम इसका अंतराल इसका उच्चक मान लेते हैं क्या है एम एस है, और इसका उच्चक क्या मान लेते हैं एम डैश एस है, और इसका उच्चक क्या मानते हैं एम डबल एस एस है, ठीक है, एम डैश एस तो क्या आएगा एक्स एस माइनस वन अल्फा प्लस एम डबल डैश एस अल्फा माइनस एक्स एस माइनस वन, और फिर माइनस में क्या करेंगे ये वाला अंतराल करेंगे क्योंकि ये वाला अंतराल क्या करना है माइनस, क्योंकि इसमें तो आया नहीं अंतराल वाला, तो क्या लिखेंगे इसका उच्च क्या है एम एस है, तो क्या लिखेंगे एक्स एस माइनस वन एक्स एस, पहले वाली जैसे सर्किट बन गई हमारे पास, अब इन दोनों में तुलना करनी है कौन सा बड़ा है, अब ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा क्योंकि दोनों वाले पार्ट से बराबर है, ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा बड़ा है, यदि यह पॉजिटिव है तो यू एफ पी डैश बड़ा होगा, यदि यह नेगेटिव है तो यू एफ पी वाला पार्ट क्या होगा छोटा होगा, अब इसको नेगेटिव या पॉजिटिव प्रूव करना है, अब हमें पता है एम एस है जो इसका जो उच्चक होगा इन दोनों के उच्चकों से क्या होगा बड़ा होगा, एम एस जो है वो क्या होगा बड़ा कैसे होगा एम डैश एस से बड़ा होगा, समझ सी बात है,
अब ये इस वाला जो उच्चक है वो तो यहां से लेकर यहां तक अल्फा तक ही उच्चक है, लेकिन जो एम एस है वो एक्स एस तक प्राप्त कर रहा है, उसके मान कहां तक प्राप्त कर रहा है, एक्स एस तक प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार क्या होगा, एम डबल एस एस भी क्या होगा, किससे छोटा होगा, एम एस से छोटा होगा, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, एम डैश एस प्लस एम डबल एस एस लेस देन एन इक्वल किसके होगा, एम एस से होगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वह क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये वाला पार्ट बड़ा है, एम एस क्या है बड़ा है, इन दोनों के अंतरालों की लंबाई बराबर है, एक्स एस माइनस वन अंतराल की लंबाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लंबाई के एक्स एस माइनस वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस एक्स एस सेम है, यानी इन दोनों का लंबाई का जो है इसके बराबर है, यानी ये वाला पार्ट बराबर में डिसाइड ये वाला पार्ट कर रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यानी एम एस दोनों पार्टों में दोनों योग से क्या है बड़ा है, इसका अर्थ क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यानी इसमें से क्या है कुछ कम हो रहा है, इसका अर्थ ये वाला पार्ट क्या है छोटा है, यानी यू एफ पी डैश लेस देन किससे है, यू एफ पी पी से क्या है लेस देन, क्लियर। दूसरा पार्ट मेरे ख्याल से आसानी सुनने में आ गया होगा। तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट आपको खुद करना है, मैं लिख देता हूँ, पार्ट सी क्या है, सब आसान है, दोनों ए और बी का कंबाइंड रूट है, क्या है, एल एफ पी लेस देन किससे होता है, अभी करके थे एल एफ पी डैश लेस देन एन इक्वल किससे होगा, यू एफ पी से लेस देन एन इक्वल किससे होगा, पी डैश यू एफ पी से, ए इसका पार्ट सी है और ए और बी का कंबाइंड रूट ही किया ये सी है, ए और बी अपने प्रूफ किया है और ए और बी सी हमारे पास ही प्रूफ है, क्लियर। थर्ड देखें भाई, थर्ड हमारे पास क्या है, दो विभाजन दे रखे हैं, 1.3 टर्म है, ये सेम है हमारे पास, एफ के जरिए नंबर एन में उच्चक एन सभी सेम है। अब हमें क्या दे रखे हैं, पी वन तथा पी टू, पी वन एंड पी टू बिलोंग्स टू पी ए बी, पी ए बी मैंने बता दिया विभाजनों का समुच्चय, ए बी के यथासंभव विभाजनों का समुच्चय कहता है, पी ए बी से लिखा जाता है, क्लियर। यानी पी एंड पी टू हमारे पास किसमें से है, पी ए बी से है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देन प्रूफ दैट पार्ट ए, क्या हमारे पास पार्ट ए, एल एफ पी वन लेस देन एल एफ पी लेस देन वन ऊपरी डायरेक्ट एफ पी डैश, उसी शोधन विभाजन की पी डैश को पी टू सॉरी पी सी तो होते हैं पी टू से, यानी इसके कहने का अर्थ है, यानी पी वन तो पी टू कुछ भी हो सकते हैं, इसके कहने का अर्थ है सिंपल सा अर्थ है, प्रत्येक अंतराल ए बी का जो प्रत्येक विभाजन है, प्रत्येक विभाजनों के लिए निम्न डार्ग योग ऊपरी डार्ग योग से क्या होता है कम होता है, प्रत्येक विभाजन के लिए एफ में निम्न डार्ग योग ऊपरी डार्ग योग से हमेशा क्या होता है कम होता है। अब हमें कम किस प्रकार प्रूफ करेंगे, देखिए अब हमें पता है पी वन एंड पी टू, पी वन एंड पी टू सेट ऑफ, शोधन विभाजन है, उभयनिष्ठ विभाजन नहीं कहते हैं इसको, ठीक मेरे दोस्तों, पता लग गया होगा पी वन, क्लियर, पी वन यूनियन पी टू क्या कहलाता है, शोधन विभाजन होगा इसका पी वन और पी टू का, या इसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभाजन या कॉमन रिफाइनमेंट भी कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट क्या है, अब हमें ये पता लग गया, अब पिछली फॉर्म का उपयोग करेंगे इसमें, अब हमें पी वन सबसेट इसका है, पी वन यूनियन पी टू का सबसेट है, ठीक है, अब इसका उपयोग करते हैं, अब पिछली फॉर्म में अपने क्या करते थे, पी यदि पी सबसेट किसका था, पी डैश का सबसेट था, पी सबसेट किसका है, पी डैश का सबसेट है, पी वन सबसेट किसका है, पी डैश का क्या है सबसेट है, ये तो हमें पता है, तब हमारे पास थर्म जिस जस्ट पहले वाली थर्म कर कहे थे, तो पहले वाली थर्म में क्या किया था, एल एफ पी लेस देन किसी होता है,
एल एफ टी डैश से क्या होता है लेस कर देता है। तथा इसी प्रकार कहते ऊपरी डायरेक्टिव के लिए एल एफ टी डैश लेस देन एंड इक्वल यू एफ पी से क्या होता है लेस देन। अब यहाँ पर पी के स्थान पर पी वन है और पी डैश के स्थान पर पी वन यूनियन पी टू है, तो इन दोनों से अपने लास्ट टर्म से लेमन लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये लिखते हैं P1 क्या लिखा एल एफ पी वन, क्या लिखा मैंने एल एफ पी वन और लेस देन का साइन लगा दिया। फिर क्या लिख दिया एल एफ पी डैश, तो पी डैश यहां पर क्या पी वन यूनियन पी टू, तो क्या लिख दिया मैंने एफ पी वन यूनियन पी टू। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फिर दूसरे के लिए लिख दिया मैंने यू एफ पी वन, यहां तो क्या आएगा पी वन यूनियन क्या आएगा पी टू आएगा और लेस देन एंड इक्वल किसके हैं यू एफ पी वन। ठीक है, ये होगी समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो से देखते हैं। अब ऊपरी डार्वियोग एक ही विभाजन का ऊपरी डार्वियोग निम्न डार्वियोग से कम होता है, अपने पीछे कल वाले आपने किया था ऊपरी डार्वियोग निम्न डार्वियोग से हमेशा क्या होता है कम होता है, यानी एल एफ पी जो है वो एल एफ पी वन यूनियन पी टू से क्या होगा कम होगा, यानी मेरे कहने का क्या है एल एफ पी वन यूनियन पी टू ऊपरी डार्वियोग निम्न डार्वियोग से हमेशा क्या होता है कम होता है। यदि एक ही ये किसके संदर्भ में बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विभाजन के सेम विभाजन दोनों सेम विभाजनों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, जो थ्योरम अपने कर रहे हैं वो ये दोनों वाले पार्ट हैं वो मैं एक संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, वो दोनों विभाजन क्या है अलग हो रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने लाइन लिखी है ये किस संदर्भ में लिखी है, मैंने ये संदर्भ है मेरा दोनों विभाजन क्या हो एक ही हो, यदि दोनों विभाजन एक ही है तो हमेशा ऊपरी डार्वी योग निम्न डार्वी योग से भी आता है। अब हमें पता लग गया, अब समीकरण एक और दो से देखो एल एफ पी लेस देन किस एल एफ पी से, और इससे लेस देन क्या है एल एफ पी वन है, और इससे इस वाले पार्ट से बड़ा पार्ट बड़ा है और इस वाले पार्ट से बड़ा पार्ट और इस वाले पार्ट से बड़ा पार्ट, यानी मान से यू एफ पी यहां पर लिख दो पी टू लिख सकते हो क्योंकि पी वन भी इसका सबसे पी है, तो यहां पर क्या लिखिए पी टू, यहां पर क्या आ गया पी टू। क्लियर, यहां पर क्या लिखिए पी टू क्यों लिख दिया, क्योंकि आप यहाँ पर P यहाँ पर क्या था इसका स्वतंत्र विभाजन और यहाँ पर क्या था मेन विभाजन, तो जो मेन है वो मैंने क्या लिया P2 भी है क्योंकि P1 और P2 दोनों क्या है हमारे पास P1 और P यूनिट के सबसेट है यानी रिफाइनमेंट है। क्लियर, ये होगी थ्योरम पूरी। ठीक, थोड़ी सी तिरछा ले गया था थ्योरम पर लेकिन आप आसानी समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है वो आपको करना है, दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे पास बी पार्ट जो है एल एफ पी टू, पी टू यहां पर ले लिया यू एफ पी वन, यू पी वन क्या ले लिया यहां पर ले लिया, इसको भी कर लो। देखो अब हमें पता है पहले लिख दिया मैंने पी वन सबसेट किसका है पी वन यूनियन पी टू का है। ठीक, और साथ में हमें क्या पता है पी टू भी सबसेट किसका है पी वन यूनियन पी टू का क्या है सबसेट। क्लियर, ये दोनों बात तो आपको पता है। अब यानी P1 यूनियन P2 क्या है इन दोनों का शोधन विभाजन है, दोनों का उभयनिष्ठ विभाजन है, उभयनिष्ठ विभाजन है यानी शोधन विभाजन है। शोधन विभाजन के लिए अपन पीछे थ्योरम करके थोड़ा सा बताता हूं थ्योरम के बारे में, और क्या है हमारे पास यदि P सबसेट है P1 का यानी P डैश P का शोधन विभाजन है, तो पिछले थ्योरम क्या कर गए थे एल एफ पी लेस देन एंड इक्वल किससे होता है एल एफ पी डैश से कम होता है। उसी प्रकार यू एफ पी डैश जो होता है वो लेस देन के होता है यू एफ पी से क्या होता है लेस देन होता है। ठीक है, यहां पर पी के स्थान पर क्या लिखेंगे पी टू लिखेंगे और पी डैश के स्थान पर क्या लिखेंगे पी वन यूनियन पी टू लिखेंगे। अब इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, देखें एल एफ पी पी के स्थान पर लिखे मैंने पी टू, पहले वाले पार्ट के पी वन लिख देना दूसरे वाले पार्ट के पी टू लिख देना, लेस देन एंड इक्वल होगा किसे एल एफ पी डैश के स्थान पर शोधन विभाजन है P1 यूनियन P2, P1 यूनियन P2। क्लियर, फिर इससे मैं लिख रहा हूं एल एफ यू एफ P1 यूनियन P2। क्लियर, लेस देन एंड इक्वल किससे होगा यू एफ पी टू पी वन लिख दिया मैंने यहां पर क्या लिख दिया पी वन, क्योंकि इसका शोधन विभाजन है P1 यूनियन P2, तो यहां इसका शोधन विभाजन आता है यहां पर, तो यहां पर क्या आएगा मेन विभाजन यानी मैंने क्या लिख दिया पी वन लिख दिया। ये होगी समीकरण एक और ये होगी समीकरण दो। अब एक ही विभाजन के बारे में याद रखना है, एक ही विभाजन के बारे में पहले मैंने बताया था एल एफ पी लेस देन एंड इक्वल किसके यू एफ पी से लेस देन इक्वल होता है, यानी निम्न डायरेक्टिव ऊपरी डायरेक्टिव से कम होता ही है।
ठीक है। तो यहां पर एक ही विभाजन क्या है, पी वन यूनियन पी टू है, यानी हमें पता है एलिफोन है यहां पर, वी नो दैट एल एफ पी वन यूनियन पी टू लेस देन एंड इक्वल यू एफ पी वन यूनियन पी टू, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों से बात करें, एल एफ पी डैश यहां पर है और इससे कम है, यानी इससे कम क्या है एल एफ पी टू है कम है, और इससे ज्यादा क्या है एल एफ पी वन यूनियन पी टू है, और उससे ज्यादा क्या है हमारे पास यू एफ वन पी टू भी वन है, और इससे ज्यादा क्या है हमारे पास ये वन पार्ट है, यानी एल एफ पी टू से ज्यादा क्या है हमारे पास अधिक क्या है एफ पी वन है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट क्लियर। कल हम करने वाले हैं रिमान समाकलन, मेन जो पार्ट है उसका, यानी रिमान समाकलन कहते किसे हैं और उसका प्रूफ क्या है, उसके थ्योरम्स क्या है, उसके उसके एग्जांपल्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।